आज बस घूमने आए दोस्त, क्योंकि नहाया वहाँ नहीं है। आगे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और एक नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने सिंगरौली के बस स्टैंड पे, और ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जैकेट है ना, मुझे बहुत प्यारा है यार, हर जगह मेरा हेल्प करते रहता है, इसलिए मैं पहन लेता हूँ। और डमरू पीछे पीछे लगा हुआ है। डमरू बस 2 मिनट वेट कर ले बेटा, ला रहा हूँ अभी। दोस्तों फिर 2 मिनट बाद आपसे हम मिलते हैं। चाचा जी हमारे आए हुए हैं, हमको बुला रहे, कुछ बातें करना है। और क्या बातें करना है, तो पर्सनल बातें पर्सनल होती है ना। चलिए मिलते हैं थोड़ी। मैं बाहर आया तो डमरू में ही खड़ा था, मेरा वेट कर रहा था। तो चलते इसको कुछ खिलाते हैं, फिर चलते स्टेशन, क्योंकि भाई का फ़ोन आ गया कि फटाक से आ जाओ, ट्रेन पहुँचने वाली है स्टेशन पर। मैं पीछे पीछे लगा हूँ। ठीक है, जल्दी पकड़, जल्दी पकड़, जल्दी पकड़, ले आ जा। कहाँ तक चला अपना भाई? बस स्टैंड मेन रोड। तो यार तो फिर हमको पैदल जाना पड़ेगा। तो अब जल्दी चलना, वहाँ से हम निकल जाएंगे, ट्रेन में नहीं आ रही बेटा। ले लो अपना, घर का आदमी है यार बड़े यार। अब क्या करें, टाइम नहीं है बेटा मेरे पास। टाइम तो नहीं है, लेकिन स्टेशन तो आप तुम्हारे लिए हम इधर से जा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक ठीक है भाई, ठीक है, चलो जाए फिर मुलाकात करो हम। ठीक ना? बिल्कुल बिल्कुल। बियर पीते हैं? नहीं। हाँ बियर नहीं, बियर नहीं पीते। नो टंकी नहीं, खम्भा मंगवाओ फिर। बियर बियर पिला रहा भाई, बियर कहाँ पीते यार, सुबह सुबह बियर पिलाएगा, दूध मक्खन खिलाता तो खा भी ले। यहाँ पे तेल ही नहीं है। चलिए चलते स्टेशन, बाद में डलवाएंगे। सूरज भगवान भी निकल चुके दोस्तों, और हम पहुंच गए स्टेशन पर। ट्रेन आई नहीं है और डीजल भी नहीं है गाड़ी में। ठीक है, देखते हैं कहां का सवारी मिलता है, फिर उस हिसाब से जाते हैं, डीजल डलवाते हैं। और ठंड उतना है नहीं दोस्तों, लेकिन सुबह का मॉर्निंग का ठंड है थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए मैं अपना ये बोरा वाला जैकेट निकाल लिया हूँ। कम्बल वाला बाबा, ये कम्बल वाले बाबा, बाबा नहीं हमारे चाचा जी हैं, कम्बल वाले। ठंडी लग रहा है बेटा, ठंडी लग रहा है ना? ठंडी है ही है यार, सुबह मॉर्निंग ठंडी है ही है। हाँ ज्यादा नहीं, 10 दिन और, 10 दिन और इंतजार कर लीजिए आप। उसके बाद ठंड गायब, उसके बाद कूलर एसी पंखा चाहिए सभी को। इसलिए मुझे ठंड का मौसम बहुत ज्यादा पसंद है यार, गर्मी में बहुत परेशानी हो जाती है यार। दोस्तों सवारी मिल गई, हम निकल चले हैं, बस दूध लेना आपको ना, नगर की तरफ, जो हमारे सिंगरौली से 22-23 किलोमीटर है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं जयंत तिनमानी पर। एक बच्चा स्टेशन पर ही था, बोला भैया मेरे पास पैसे कम है। हमने कोई बात नहीं, जितने हैं आपके पास उतना है मुझे दे देना, मैं जा ही रहा हूँ यार, तो छोड़ दूंगा। तो 50 रुपये में छोटू को मैं ला के छोड़ दिया जयंत, और मैं निकल पड़ा शक्तिनगर की तरफ। तो हम शक्तिनगर पे पहुंच गए, और भैया बोले मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, और काफ़ी देर से गए, आधे घंटे हो गए बैठे बैठे। मैं बोला कहाँ चले गए अपनी फैमिली को छोड़ के। मैं बाहर निकला, उनको देखने लगा, लेकिन मुझे दिखे नहीं। अब दिखे नहीं, अब मुझे लेट भी हो रहा था। अब कितना इंतज़ार करूँ मैं, बताइए। 10 मिनट बोल के गए थे, आधे घंटे से ऊपर हो गए, तभी मुझे दिखा भैया सामने से आ रहे हैं सामान लेके। अब मैं चलो देर है दुरुस्त है, फिर निकलते हम। और दोस्तों गाड़ी में तेल भी नहीं हमारे, तो सबसे पहले तो उनको छोड़ेंगे, उसके बाद तेल डलवाते हैं। और तेल डलवाने के बाद जब यहाँ तक आ गए हैं, तो एक सरप्राइज तो बनता है अपने दोस्तों के लिए यार, तो सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इनको पहले छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद तेल डलवा देते हैं, और तेल डलवाने के बाद फिर निकलते हैं। तो भैया को ला दिए उनके मंजिल तक। दोस्तों अब यहाँ तक आ गए हैं शक्तिनगर में, तो सोच रहा हूँ आपको हम ज्वालामुखी मंदिर घुमा दें। अब नहाए तो है नहीं, फिर भी चलते हैं। और सबसे पहले तो डीजल डलवाते हैं, डीजल बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, तो डीजल डलवा के फिर निकलते हैं ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है,
तो गाड़ी वहाँ खड़ा कर दिए ठीक है ना। और गाड़ी इतने लाइन में इसलिए खड़ी है क्योंकि वो टंकी है ना, वो टंकी खाली हो रही है, मतलब वो उस टंकी से वो टंकी में जा रहा है तेल। तो कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, यही होता है जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। चलिए इंतजार कर लेते क्योंकि आस पास कहीं भी मतलब टंकी नहीं है, पेट्रोल टंकी नहीं है, डीजल टंकी नहीं है। तो बस इंतजार करते हैं, कुछ देर बाद चलते भरवा ले तेल, क्योंकि ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, 5 से 6 किलोमीटर चलेंगे और गाड़ी यह ले लेगी, मुझे मालूम है, क्योंकि कांटे है ना पूरा लास्ट हो गया है। हाँ आपको दिखाते हैं, कांटा पूरा लास्ट हो गया है, ये देखिए कांटा पूरा लास्ट हो गया है पेट्रोल टंके और डीजल का। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं तो भरवा के फिर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। बम बम भोले सब्सक्राइबर, मैं बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइबर बढ़ा दे थोड़ा सा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कम से कम, आ जाओ थोड़ा पास आओ। हाँ देखते भाई क्या बोलता है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं है बस इसने यहाँ बोलना है, सर्च मारने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ बोल दो अनुराग संतोष ब्लॉग, एक बार में आ जाएगा, नहीं तो सब्सक्राइब मत करना। देखो एक बार में आ गए भाई, एक बार में आ गए सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, घंटी हाँ घंटी दबा दो। नाम क्या भाई आपका? दीपक। कहाँ के रहने वाले हो? दिमाग खराब हो गया यार, एक घंटा खड़े थे, एक घंटे। चलिए चलते अब, दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करते हैं, अब निकलते ज्वालामुखी मंदिर के पास, वहाँ आपको दर्शन करा के फिर निकलते सिंगोली। अब इतना दूर आए हैं तो आपको दर्शन करा दे यार, ठीक है चलिए। तो ये रास्ता पहले पुराना रास्ता था ठीक है ना, नया रास्ता वहाँ से बन गया है, तो चलिए चलते हैं वहाँ से, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं आ रहा हूँ। बचपन में हमेशा मैं साइकिल लेके आता था सिंगरौली से साइकिल लेके आता था। चलिए चलते हैं यहाँ पे, पार कर दी दोस्तों मैंने, और ये रहा एक चाट की स्टॉल, वहाँ खड़ी है गाड़ियाँ जो आए हैं दर्शन करने, और ये माता का मंदिर है सामने, और मैं नहाया नहीं हूँ आप देख सकते हैं। सुबह उठ के मैं चल रहा हूँ स्टेशन की तरफ, और स्टेशन से मैं आगे डायरेक्ट यहाँ पे। हाँ ज्वालामुखी मंदिर शक्तिपीठ आप देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, बाकी मर्जी आपकी जैसे पढ़ ले। हाँ तो चलिए दोस्तों दर्शन करा देते हैं अंदर, अब नहाए हुए नहीं तो क्या हुआ, माँ तो नहीं बोलती है कि बच्चे को नहा के आना, अपनी अपनी श्रद्धा है और अपना अपना प्यार है ठीक है। नहीं भैया आज जैसे ही आए हैं बस आ गए तो घूमने। आज बस घूमने आए दोस्त, नहीं तो मैं कुछ दूर तक दर्शन करा सकता हूँ। शक्तिपीठ माँ ज्वालामुखी भगवती मंदिर आज का भंडार, देखे ये मंदिर है माता का। जो सुबह नींद खुलती है ना तो कोई नहीं जानता कि कब कहाँ चले जाएं हम सब। जैसे आज अगर मुझे मालूम होता कि आज मैं माता की रानी के दर्शन करने आऊँगा तो नहावा क्या था, लेकिन माँ नहीं जानती ना, माँ तो हमेशा बुला लेती बच्चों को, बच्चे नहाए रहे ना नहा रहे,
माँ की ममता अलग होती है, तो माँ मुझे बुला ली, हम दर्शन कर लिए, आप सबको भी करा दिए। तो यही है ज्वालामुखी में मंदिर, जो हमारे सिंगरौली से 20 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। माता रानी मेरे सभी दोस्तों को खुश रखे, मस्त रखे, और हर हर महादेव।